अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जीतू तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? कितना डर गए थे हम। तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ ना तुम्हें? हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। इस वक्त हमसे ज्यादा जरूरत मदद की गोपाला को। बहुत आवाज लगाई, सबको बहुत बुलाया, पर कोई था ही नहीं यहाँ पे। वो गोपाला वहाँ फंस गई थी, हमने बचाया उसे आग से, और हम कोई था नहीं तो हमने अकेले ही। पर तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगा कि जहाँ भी हम होते हैं अचानक वहाँ गोपाला कैसे आ जाती है? हैरानी तो नहीं हुई तुम्हें? क्या 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 हैरानी होगी इसमें? इस वक्त क्या फालतू की बातें कर रही हो कृष्णा? उसे हमारी मदद की जरूरत है इस वक्त। बाद में देखते हैं हम ये सब, बाद में सोचना इस बारे में। हम भी कितने बड़े बुद्धू हैं गोपाला, तब तुम बताओ। अच्छा हमारे साथ चलो। हम एक काम करते हैं, हम तुम्हें ना तुम्हारे घर छोड़ आते हैं, चलो हमारे साथ। हमारे घर पे कोई नहीं है। घर पे कोई नहीं है? और तुम्हारे पति वो कहाँ है? हमारे साथ नहीं रहते। साथ नहीं रहते मतलब? अब अच्छा तुम्हारे घर पे कोई तो होगा फिर जो तुम्हारा ध्यान रख सके। कोई नहीं कृष्णा, कोई नहीं। अच्छा वो बोल रही है कोई नहीं है तो नहीं होगा ना? और वैसे भी दादी के रिश्तेदार हैं हम लोग, है ना? इसे किसी और की क्या जरूरत है? हम लोग है ना इसकी मदद करने के लिए। हम ये हमारे साथ चलेगी, संभालो इसे। हम जरा बाहर से टैक्सी लेके आते हैं, ठीक है? ऐसे जाएंगे हम कब? गोपाला कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या करें हम, कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी से जल्दी गोपाला को घर लेके जाना होगा। गोपाला तुम ठीक हो ना? गाड़ी कृष्णा हटो, हम इसे गाड़ी में बिठाते हैं। ऐसी बेचैनी तो जीत को बस हमारे लिए होती थी। कृष्णा, कृष्णा, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? दरवाजा खोलो जल्दी, गोपाला की हालत खराब हो रही है। खोलो। अरे ड्राइवर साहब प्लीज हमें हमारे गांव तो छोड़ दीजिए, इनकी हालत बहुत खराब है। बैठिए बैठिए। गोपाला लग तो ठीक ही रही है, फिर जीत इसे लेकर इतना बेचैन क्यों है? बस अब दोनों बच्चे सही सलामत घर आ जाए तो जान में जान आएगी। हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हम भी बस अब यही चाहते हैं कि हमारे जीत की जिंदगी में अब कोई परेशानियां ना रहे, वो हमेशा खुश रहे। माँ आपको पहले से पता था ना कि जीत को बाला को अपने साथ कुफरी लेकर गया है। अगर साथ लेकर भी गया है तो क्या समस्या है? गोपाला जीत की पत्नी है आखिर। ऐसा क्यों कर रही हैं? अब अच्छे से जानती है कि जीत की पत्नी कृष्णा है, गोपाला नहीं।
तुम्हारा बस जले तो कृष्णा के पांव ही ना टिकने दे इस घर में। जीत की पत्नी मानना तो कोसों दूर की बात है। ठीक है, अगर आपकी यही जिद है ना, तो एक बात हमारी कान खोल कर सुन लीजिए। जब तक हम जिंदा हैं, तब तक इस घर से कृष्णा को कोई नहीं निकाल सकता, और ना जीत की जिंदगी से निकाल सकता है। जीत, तू ठीक है ना बेटा? कहीं लगे तो नहीं तुझे? हाँ हाँ माँ, ठीक है। कृष्णा, कृष्णा बेटा, ये तो बहुत लग गया। तू ठीक है बेटा? हाँ दादे, हम ठीक हैं। ये सब हो कैसे गया? वापस इस घर की असली बहू गोपाला, ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी तुझे? जी जी, हम ठीक हैं। डॉक्टर को कॉल कर दिया हमने दादी, बस आते ही होंगे। जीत ने हमारे घाव को देखना तो दूर, हमारे बारे में पूछा तक नहीं। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। चल अंदर आ बेटा, तू आजा बच्ची। पानी। गोपी, दवा का डब्बा लेकर आ। अरे बेटा, ये तो बहुत लग गई। दादी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? हम ठीक हैं, हमने कहा ना। ठीक हो जाएगा बेटा। जीत, ये सब कैसे हुआ और ये गोपाला कुफरी कैसे पहुंची? हाँ जीत, बता क्या हुआ था वहां पे? पता नहीं दादी, हमें कुछ समझ नहीं आया। एकदम से आग लग गई वहां पे और अफरा तफरी मच के पहुंची। हम जैसे तैसे घर के बच के निकले, कुछ आने के लिए मिल भी नहीं रहा था। वहां से मुश्किल से एक टैक्सी मिली, बस उसे पकड़ के तुरंत हम आ गए। बाकी हमें भी समझ नहीं आया कि कैसे क्या हो गया। लेकिन गोपाला तो ठीक है, एकदम कोई चोट नहीं आई है। और हमरी कृष्णा को देखो, कितना चोट लगी है। कृष्णा को काफी चोट आई है और उसकी चोटें बाहरी हैं। गोपाला को जो चोट लगी है वो अंदरूनी है। बाहरी चोट कितनी भी गंभीर दिखे, पर हफ्ते दो हफ्ते में ठीक हो जाती है। और जो अंदरूनी चोटें होती है ना, उन्हें ठीक होने में सालों साल लग जाते हैं।
अब देखिए नथ दंगल प्ले पर टीवी से पहले।